रॉक का फल। तो चलिए चलते हैं एपिसोड 4 ऑफ हम्पी एंड बादामी सीरीज। बट उससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और लास्ट वीडियो को देखिए, क्योंकि वहां मैंने आपको हम्पी की पूरी हिस्ट्री को डिटेल में बताया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं महादेव का नाम लेकर। हर हर महादेव। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं इसको बोलते हैं तलवार घाट गेट। एक दो मंजिला सकरा द्वार है जिसके दोनों ओर पवित्र स्थल है। जाते हैं क्वींस बाग में। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको देते हैं एक क्विक टूर ऑफ क्वींस बाग। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे एंड ये रही हिस्ट्री। आप इसको वीडियो को पॉज करके हिस्ट्री को पढ़ भी सकते हैं। वैसे एक चीज अच्छी लगी है मुझे यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट की, कर्नाटका टूरिज्म की। हर मोनूमेंट के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है सो यू कैन रीड ऑल द हिस्ट्री। एंड जो आप टनल देख रहे हैं यहाँ से वाटर अंदर जाता है जो कि मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। जब तक एक एंजॉय कीजिए पैरानोमिक व्यू ऑफ क्वींस बाग एंड एंजॉय कीजिए हमारे वीडियो एंड फोटोशूट को। इस टनल से वाटर अंदर आता है एंड ये जो आप स्विमिंग पूल टाइप का देख रहे हैं वो वाटर इसमें चला जाता है। एंड कॉर्नर में एंड मिडिल में आप होल देख सकते हैं। आई थिंक फ्रॉम हियर पानी बाहर निकलता है। इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। वैसे यहाँ पर हर एक किलोमीटर पर एक मोनूमेंट है। इफ यू आर ओके देन यू कैन कवर बाय बॉग। हम पहुँच जाते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन महानवमी दिव्य। देखिए कैसे एक के ऊपर एक चट्टान को रखकर दीवार बनाई गई है और जो एक होल देख रहे हैं इनके थ्रू चट्टान को उठाया जाता है। ये रहा महानवमी दिव्य। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके हिस्ट्री को भी पढ़ सकते हैं। एक महानदी दब्बा एक उन्नत संरचना है जो दुख क्षेत्र में स्थित है और आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करती है। इस क्षेत्र में हुए उत्खनन में कई आधार्मिक संरचनाएं दुनिया के सामने आई। विजयनगर काल में अपने उपयोग के चलते इस संरचना को महानवी दिब्बा नाम दिया गया। कन्नड़ भाषा में दिब्बा का अर्थ होता है टीला। क्योंकि यह संरचना एक टीले के नीचे छिपी थी अतः इसे महानवी दिब्बा कहा जाने लगा। इस उत्तापित मंच पर राजा 10 दिन तक चलने वाले दशहरा उत्सव जैसे महानवी उत्सव भी कहते हैं के दौरान बैठकर उत्सव कार्यक्रम देखते थे। इस मंच के सम्मुख विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे जिन्हें राजा और राजा परिवार के सदस्य भी देखा करते थे। यहाँ पे कुछ स्टेयर्स भी थी नीचे जाने के लिए। मुझे लगा शायद अंडरग्राउंड स्टेयर्स होंगी बट ऐसा कुछ नहीं था। ये जस्ट बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां हैं एंड सामने देख सकते हैं आपको अपोजिट जस्ट वो आपको वापस ले जाएंगी। एंड ये देखिए कुछ वास्तुकला रियली बहुत ही अद्भुत एक वास्तुकला का एक उदाहरण। चलिए चलते हैं ऊपर की साइड वापस एंड आपको देते हैं पैरानोमिक व्यू ऑफ पूरा जहाँ से राजा पूरा सभा देखते थे अपने उत्सव को मनाते थे एंड अपनी सभाओं को संबोधित करते थे। ये देखिए इस वीडियो के जरिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। बट अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। सो नेक्स्ट प्लेस से पहले हम कर लेते हैं अपने आप को चार्ज बिकॉज बहुत ज्यादा ही गर्मी थी। यहाँ पे आपको लोटस महल एलिफेंट स्टेबल एंड रंगा टेंपल देखने को मिलेगा। यू कैन गो स्ट्रेट फॉर द टिकट। टिकट प्राइस बस 40 रुपए ओनली। चलते हैं अंदर। यहाँ और भी बहुत सारे प्लेसेस थे आप इस बोर्ड में पढ़ सकते हैं।
रहा लोटस महल। चलिए आपको एक क्विक टूर देते हैं और उसके बारे में और भी जानकारी देते हैं। लोटस महल हम्पी की एक महत्वपूर्ण आधार्मिक संरचना है। इसे कमल महल और चित्रांगनी महल के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडो इस्लामिक शैली की स्थापत्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कुछ भी कहो, इस जगह पर एक बहुत ही अच्छा सुकून भरा माहौल था। जब हम वहां पहुंचे एकदम रिलैक्स में आ गए और हमने वहां काफी देर रेस्ट किया। ये है रॉयल इंक्लोजर, जिसे वॉच टावर भी बोलते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। चलिए चलते हैं और आगे एलिफेंट स्टेबल। अगेन वीडियो को पॉज करके आप यहाँ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं एंड मैं भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बट पहले आप देखिए कुछ हमारे फोटो एंड वीडियो शूट। द एलिफेंट स्टेबल इज अ लॉन्ग बिल्डिंग विद अ रेक्टेंगुलर शेप। The building has a row of 11 huge domed chambers. Each chamber is large enough to accommodate two elephants at a time. The domed chambers are interconnected with a large arched opening. The wall between the arch have a small doorways. So, चलिए मैं आपको अंदर से भी एक पूरा व्यू दिखाता हूँ, आप भी देखिए इस वीडियो के साथ। वहाँ पे था टेम्पल, बट टाइम कम होने की वजह से हम वहाँ नहीं गए एंड निकल जाते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट अंडरग्राउंड शिव टेम्पल, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर अस। आपको भी दिखाते हैं कि ये हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस क्यों था। इसे प्रसन्ना विरूपक्षा टेम्पल भी कहते हैं। यहाँ से टेम्पल स्टार्ट होता है एंड देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। एंड आगे चलते हैं, वीडियो कितना जस्टिफाई कर पा रहा आई डोंट नो, बट नीचे पानी भरा हुआ था एंड कभी स्टेयर्स ऊपर कभी नीचे एंड ये रहे हमारे नंदी जी। ये पूरा रास्ता वॉज अंडर अराउंड 100 मीटर एंड पूरे में ही पानी भरा हुआ था। बिलीव मी इट वॉज फुली डार्क एंड अंदर बैठे भोलेनाथ, हर हर महादेव। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं नरसिम्हा टेम्पल, बट ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से हम बस यहाँ वीडियो शूट करते हैं एंड निकल जाते हैं। लक्ष्मी नरसिम्हा विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह का उनकी पत्नी लक्ष्मी समृद्धि की देवी के साथ एक प्रतीकात्मक चित्रण है। यह ज्वाला नरसिम्हा, गंडा बेरुडा नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा और योग नरसिम्हा के बीच नरसिम्हा के 5 प्रतीकात्मक रूपों में से एक है। कुछ कहावतों के अनुसार ऐसा सुना जाता है कि नरसिंह भगवान की हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी उनका क्रोध कम नहीं होता है। देवता इस बात से क्रोधित हैं कि उनका सदाचारी भक्त प्रहलाद अपने ही पिता के हिंसक कृत्यों से आहत है। इस तथ्य के बावजूद कि देवता उनकी स्तुति गाते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, वह शांत नहीं रहता। देवता लक्ष्मी से प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो उनकी पत्नी के सामने प्रकट होती हैं। वह नरसिंह भगवान को आश्वासित करती हैं कि उनकी आश्वासन भक्त और उन दुनिया दोनों को बचा लिया गया है।
उनकी पत्नी की बातें सुनकर देवता शांत हो जाते हैं और उनका स्वरूप भी शांत हो जाता है और उनका स्वरूप बहुत ही सौम्य हो जाता है। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी नरसिम्हा की को सौम्यता और शांति के प्रतिनिधित्व के रूप में पूजा जाता है। बड़ाविलिंग मंदिर में हम्पी का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग है। शिवलिंग पर रेखाचरित में तीन नेत्रों का निशान बना हुआ है। तीन आंखों का निशान भगवान शिव की तीन आंखों को दर्शाता है। सुंदर लिंग काले पत्थर से निर्मित है। इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर विजय साम्राज्य के काल से ही अस्तित्व है एंड यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। बड़वा लिंग का नाम दो शब्दों से मिलाकर बना है, बड़वा एंड लिंगा। स्थानीय भाषा में बड़वा का मतलब गरीब होता है और लिंग शिव का प्रतिनिधित्व करता है। के अनुसार शिवलिंगम का आधार पानी में डूबा हुआ है क्योंकि यह पृथ्वी पर पवित्र नदी गंगा के आगमन को दर्शाता है और इसके प्रवाह को भगवान शिव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निकल जाते हैं हेमकूट हिल सर देखने। यहाँ हम दर्शन करते हैं, पहले दर्शन करते हैं सासिबी कालू गणेश। इनके बारे में यू कैन रीड इन द वीडियो, तो आप भी बोलिए गणपति बप्पा मोरिय। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ फॉर सनसेट। ये सामने रही 2 मंजिला इमारत, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये गेट या कहो इमारत विट्ठल मंदिर के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यह चलिए अब आप एंजॉय कीजिए इस बेस्ट इवनिंग को इस सनसेट के साथ, वो भी हमारे इस टाइम लैप्स के साथ। अभी जस्ट 6 o'clock ही हो रहा था इवनिंग में एंड 6 बजे करीब सारे टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे बंद हो जाते हैं एंड ये हम जो कृष्णा टेम्पल के बाहर खड़े हैं ये भी बंद होने की वजह से हमने इसको मिस कर दिया जाना, बट आप जा सकते हैं। हम चल देते हैं कुछ लोकल शॉप इन हम्पी एंड आप भी देखिए कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम एंड हम भी कर लेते हैं कुछ शॉपिंग। एंड निकल देते हैं कैफे की तलाश में। पहुंच जाते हैं मैंगो ट्री कैफे। अंदर पहुंच के हम प्रेफर करते हैं नीचे बैठना। हम ऑर्डर करते हैं 2 टाइप ऑफ पिज्जा एंड दिस सिजलिंग वेजिटेबल्स। सो फूड वाज लाइक ओके, नॉट दैट मच बैड, नॉट दैट मच गुड, बट इफ आई टेल द 5 रेटिंग विल बी 2.5। इट वाज नॉट दैट टेस्ट विच वी आर लुकिंग फॉर। बाकी हम्पी में बहुत सारे कैफेज हैं, अगर आप नॉर्थ हम्पी में जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, यू कैन एंजॉय द फूड देयर एंड ग्रेविटी कैफे इज वन ऑफ देम, सो यू कैन गो एंड एंजॉय देयर। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड इस प्यारी सी इवनिंग को बोलते हैं बाय बाय। आई होप आप सभी लोगों ने आज हमारे साथ जुड़ के इस हम्पी के जो भी सारे टूरिस्ट प्लेस हैं उनको वर्चुअली घूम के हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज आप सभी के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं एंड आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाते रहेंगे। सो अभी के लिए चलते हैं, आप लोग भी स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ वर्चुअली घूमते रहिए। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक बाय, टेक केयर, गुड नाइट।